कैसा रेफरेंस मिला आपको यहाँ का आरबी का डेकोर का? आप ही लोग हैं यूट्यूब जय भाई, थोड़ा स्टीयरिंग में मजा नहीं आया, ये क्या बात है? पता नहीं यार, इन्होंने शायद कंपनी से सिलवा लिया, इतना बढ़िया आता है इसके ऊपर लगा। यार मैं उसकी सीट वीट फाड़ दी क्या भाई आपने? कवर कर दोगे, चला दोगे ना। चलवा दो इसी बात पे। कौन सा कंपोनेंट डाल दिया आपने? JBL का कंपोनेंट स्टेज 2। अच्छा, कितने का लगाते हो आप ये? साथ में कन्वर्टर, जो भी कोई दिक्कत हो तो इसी पे लोड उठाए हमारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। आज एक बार फिर से आ गए हैं आरबी कार डेकोर पे जय भाई के पास। तो जय भाई, क्या हाल चाल है? 3XO के बीच में घिरे खड़े हो, क्या बात है? 3XO ने दबा दिया आपको? तो क्या दिखा रहे हो आज फिर? अच्छा, ये वाली AX5 है। अच्छा, तो क्या कर रहे हो इनमें आप? मॉडिफिकेशन। मैंने एक चीज देखी जय भाई, अभी मतलब जैसे कि आपसे आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं अभी ना पीछे से दोनों गाड़ी देख रहा था। मैंने कहा इसके जो बोनट अंदर से खाली है, इसके अंदर ये ब्लू पंखी लगी हुई है। ये आपने कर ली है अभी? अच्छा, कहीं और से करवा रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या फायदा रहता है इसका? सबसे बड़ी बात है नॉइज की कैंसिलेशन। हाँ, ये अंदर केबिन में आवाज ना आए। अच्छा ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करें। क्या कर रहे हैं आपने आज? हाय हाय, चेक करो भाई, ये कौन सा वाला है? ये सिंगल कलर एलईडी। सिंगल कलर, मल्टी कलर भी आता है, ठीक है। कितने का लगा रहे हो ये? ये वाला जो आता है भैया हमारा 2500 का होता है। एलईडी अलग होता है, वॉट्स के ऊपर है, जो आप कितने वॉट्स में लगा रहे हो। ठीक है, डिपेंड करता है एलईडी कितने वाली लगवा रहे हो। एलईडी की भी स्टार्टिंग रेंज बता दो। और इसकी अगर इसके अंदर, इस वाले के अंदर किसी को एक अच्छी एलईडी डलवानी हो जिसका बढ़िया फ्लो चाहिए हो, तो उसका क्या आउटपुट रहने वाला है? वो कितने की रहेगी? बढ़िया आउटपुट है, कितने की रहेगी वो वाली? 7500 का बजट लेके जाओ। अच्छा, विद एलईडी, विद वायरिंग, विद सब कुछ, अच्छी चीज जिसकी 2 साल की वारंटी है। और रोड पे थ्रो ऐसा, चाहे हाईवे पे निकल जाओ चाहे सिटी में, चलवा दो इसी बात पे एक बार। तो भाई देखो, दोपहर के टाइम हो रहा है, लगभग 12-1 बज रहा है, तो इस टाइम पे जय भाई को सामने खड़ा कर देते हैं। बोले सुन लिया, ये सिर्फ फॉग लाइट का रिस्पांस है। और भाई ये दिन में इतनी आपको लाइट दिख रही होगी भाई के यहाँ पे कपड़ों के ऊपर, और मेन हेडलैम्प जो है वो बंद है। और हेडलैम्प में भी एलईडी अपग्रेड कर, इसमें तो आती होगी, इसमें तो आती है ना, इसमें अपग्रेड नहीं करनी पड़ती। आप एलईडी एक कन्वर्ट करवा सकते हो, 3 प्रो से जो स्टार्ट होता है, इनबिल्ट एलईडी आता है, इनबिल्ट एलईडी आ जाता है। और उस एलईडी का थ्रो कैसा है? एलईडी कंपनी वाली, कंपनी वाली का तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसके अंदर 110 वॉट की एलईडी डाली है और ये कंपनी फिटेड है, ये फेल हो जाएगी उसके बाद। ये हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्टर है, गोल प्रोजेक्टर, ये चपके वाला है और ये गोल प्रोजेक्टर। और इसका हमने जितना भी अभी तक आउटपुट देखा, ये लगा लो जय भाई, बहुत बढ़िया रहा है रात के टाइम पे, और दिन में भी इतना नजर आ रहा है। तो इसके अंदर मेन तो आपने एलईडी अपग्रेड करी है, साथ में कन्वर्टर, जो भी कोई दिक्कत हो तो इसी पे लोड उठाए हमारी बैटरी पे ना। और आप बताते भी होगी इसके अंदर 220 वॉट की मैक्स है, उससे ऊपर नहीं चलती, उससे ऊपर लगाना भाई इस गाड़ी के लिए सक्सेसफुल नहीं है। और गाड़ी की और आपकी मतलब ओवरऑल वारंटी बनी रहे, सेफ्टी का ध्यान रखते हो भाई ने इसके अंदर आपके लिए कन्वर्टर भी लगा दिया अलग से, कुछ होगा तो इसमें होगा, वैसे तो खैर कुछ होता नहीं है, एलईडी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करती। ठीक है, ओके, सेम प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, पहले कंपनी वाला लगा रहे थे कस्टमर जो थे हमारे। हाँ, ये देखा इन्होंने, बोला मेरे को भी यही दे दो। हाँ, क्योंकि कंपनी वाले में ऐसा चिता थ्रो नहीं होगा। और प्राइस डिफरेंस कितना है कंपनी वाले में और आफ्टर मार्केट में? आफ्टर मार्केट थोड़ी महंगी है, 2500-3000 यहाँ पे ज्यादा। अच्छा, पर आफ्टर मार्केट में थ्रो मिल जाएगा, क्वालिटी भी मिलेगी, सबसे बड़ी बात है वारंटी होगा, 2 साल की वारंटी है। कुछ होता है तो जय भाई बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आरबी गाड़ी पे बिंदास आग बंद करके आ सकते हो, नहीं आग खोल के आ सकते हो। चलो, और क्या करा हमने इसके अंदर? साइड में इसमें दोनों में ही देखो अलॉय व्हील ला रखे हैं कंपनी से, आपकी 4 इंच के अलॉयज लगे हुए हैं दोनों के अंदर। और अगर डोर वाइजर, क्रोम लाइन, विंडो गार्निश और एक साइड फिटिंग इंस्टॉल। ये साइड फिटिंग ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन, महिंद्रा जेन्युइन, चेक करो भाई, महिंद्रा लिखा हुआ है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन, इसकी पहचान यहाँ तक कम्प्लीट, छोटे वाला साइड फिटिंग, ये महिंद्रा के डब्बे साइड फिटिंग वाली भाई अभी लगा रहे हैं। ये चेक करो भाई, ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसकी सीट वीट फाड़ दी क्या भाई आपने? कवर विद थाई सपोर्ट, सही है, देख रहे हैं एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के साथ में सीट कवर मिलेगी आपको, देखने के लिए चेक करो आप लोग। और ये हमारी कंपनी की सीट है और ये हमारी बनाई हुई सीट। ठीक है ठीक है, अभी भाई इसकी फिटिंग मीटिंग आपको जब कंप्लीट हो जाएगी तब और अच्छे से दिखाऊंगा। हो रहा है, ठीक है, एम्बिएंट लाइट लगा चुका है, एम्बिएंट लाइट अभी लग रहा है, देखो सामने देखो। और मेन जो मैं आपको इसके अंदर देखो, एक बार ये दिखा रहा हूँ की ओवरऑल काम कैसे हो रहा है, कम्प्लीट होने के बाद लास्ट में दिखाएंगे। डोर में डैम्पिंग, मैं क्यों कहता हूँ बार बार, जो आप डैम्पिंग लगवाओ, एक तो देखो भैया, एक सेकेंड,
हो गई बारी, सुनाओ सुनाओ। ठीक है अब भाई, जय भाई देखो ये डैम्पिंग चेक करा रहे थे, कराना जय भाई, यहाँ नहीं हो रखी है, यहाँ हो रखी है। हाँ। बहुत हैवी साउंड करती है वहां से, साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, कंपोनेंट्स भी अपग्रेड करते हैं चारों डोर्स में, इसमें शायद लगे आते होंगे, लगे आते हैं नॉर्मल कॉइल से होते हैं। अच्छा ये कंपनी से स्टॉक ये वाले आते हैं, काफी हल्के हैं ये। हाँ। मैग्नेट भी काफी इनकी हल्की है। अभी कौन सा कंपोनेंट डाल दिया आपने? JBL का कंपोनेंट स्टेज 2। अच्छा हाँ, कितने का लगाते हो आप ये? 5500 रुपए। 5500 रुपए, वारंटी भी रहती है इसकी? एक साल की। इसमें आगे पीछे दोनों कंपोनेंट है? चलो अभी पीछे भी कंपोनेंट लगे, वरना काफी लोग पीछे कोएक्सल्स भी लगवा लेते हैं। फायदे जो होते हैं, साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद बाहर की नॉइज की कैंसिलेशन होती है अगर अंदर कैबिन में हम बैठे हैं तो। उसके बाद जो मेन होता है हीट प्रूफ, और जो गर्मी में हीट एब्जॉर्ब करेगा, और इतनी गर्मी पड़ रही है पिघलेगी तो नहीं? पिघलेगी, पिघलेगी नहीं, उसकी गारंटी है। ठीक है, तो एक एक्सयूवी 3X जैसी गाड़ी के अंदर कितनी शीट लगा देते हो? 9 शीट लग रही है इसका, इसमें 9 शीट लग रही है। और कितने से स्टार्टिंग है अपने पास डैम्पिंग? 600 रुपए से। अच्छी क्वालिटी की है वो? बहुत अच्छी। 600 रुपए वाली लगवा लो एक सीट है। 600 रुपए शीट से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अंदर क्वालिटी वाइज होती है 800, 1000, 1200, 1500। ठीक है, जैसी आप क्वालिटी लेते हो उस हिसाब से आपको क्वालिटी मिल जाती है। ठीक है भाई, देखो आपको डैम्पिंग का भी अलग अलग मैंने प्राइस बता दिया है। जो भी वर्क करेंगे और आपको दिखाएंगे। हाँ। प्रीमियम वर्क ही दिखाएंगे, अच्छी क्वालिटी का ही दिखाएंगे, है ना? हम स्टार्टिंग बता रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला ही काम करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर किसी को स्टार्टिंग वाला करवाना है तो भाई वो पहले बता देंगे कि उसकी क्या क्वालिटी रहेगी। मोस्टली नहीं कराते, सही बात है, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी ले तो अच्छी चीज ही कर पाएंगे ना। अब पीछे भाई देखो, कनेक्टेड टेल लैंप पे डिस्काउंट चला रखा है आपने, कुछ तगड़ा था। बहुत तगड़ा है, 22% का डिस्काउंट है। 22% का आपको थोड़ा सा मतलब देखने वालों को चॉइस मिल जाएगी। अच्छा, इसके इंटीरियर से मैच होते हुए इसके, है ना? ये रे भाई चेक करो, बढ़िया लग रहे हैं देखने में, थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है ना? कहीं से कोई रिंकल नहीं है भैया? नहीं नहीं नहीं, और ये जो ये निशान रहता है इसके बारे में थोड़ा बता दो, किस चीज का रहता है? फोल्डेबल का निशान होता है, इस पे धूप पड़ेगी 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। कपड़ा फोल्ड हुआ रखा रहता है ना? एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर है, ये चेक कर लो आप। आगे कर लो सीट थोड़ी सी, आप और अच्छे से दिखाएंगे भाई आपको। एयरबैग फ्रेंडली वाले जो सीट कवर है वो रहते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से अंदर कर देंगे और एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाएगी। सही है, और अब आप लोगों को दिखाते हैं भाई 2 मिनट के बाद, अभी ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको दिखाएंगे सारा सिस्टम पानी कैसे क्या रहने वाला है। भाई फाइनली अब ओवरऑल काम कंप्लीट हो गया है, डन है। हाँ, क्या क्या हो गया है जल्दी जल्दी एक बार समराइज कर दो। फॉग लैंप, फॉग लैंप ये लो भाई, फॉग लैंप ऑन होंगे, फॉग लैंप चेक करो आप एक बार। स्वाद ही आ गया ये भाई, वीडियो में फ्लिकर कर रहे हैं, ऐसे करते नहीं है। ये देखो रिस्पॉन्स हमने पहले भी दिखाया था आपको, दिन में नहीं दिख सकता इससे ज्यादा, दिन में इतना ही दिख पाएगा। और क्या हुआ है? फ्रंट सीट में काम हुआ है कंप्लीट, साइड से आते हैं, साइड सीट के अंदर विजर। हाँ, विंडो गार्निश साइड फिटिंग, विंडो गार्निश की जो पहचान है ओरिजिनल यहाँ तक आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। इसके बाद व्हील आर्च क्रोम लगाया, व्हील आर्च कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, चारों डोर्स पे ओके। इसमें एक सेफ्टी गार्ड लगता है जो की कंपनी से ही लग के आया है, हमने नहीं लगा, ये कंपनी से लग के आया ये वाला। हमारे पास ना ब्लैक कलर में इसका बहुत ही बढ़िया यहाँ तक का, इसीलिए इस पे महिंद्रा भी लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या काम हुआ है इसके अंदर? अंदर काम हुआ है, अंदर दिखाते हैं आपको। जेन्युइन इसका प्लेट्स है। ठीक है, एम्बिएंट लाइट है, ये चेक करो भाई, चारों डोर और हमारे डैशबोर्ड पे। ठीक है, हाई सपोर्ट्स, रिंकल फ्री सीट कवर्स, और वो वाले हैं ये क्या बोलते हैं इसको, फुल्ली लैमिनेटेड एक्स्ट्रा कुशनिंग वाले। ठीक है, एयर फ्रेंडली सीट कवर जो मैं दिखा चुका हूँ, एयरबैग वाले ही दिखाते हैं। रेड है, और यहाँ पे जो परफोरेशन है 4 होल का दिया गया है, थोड़ा वेंटिलेशन के लिए हो गया, जैसे गर्मी पड़ रही है हवा का एयर सर्कुलेशन लगा रहे गाड़ी में। पीछे की भी देख लो भाई आप लोग, लगे एक बार एम्बिएंट लाइट वगैरह सारी चीजें। कौन से डाले हैं ये जय भाई? 70 मैट डाले गए हैं इसके अंदर, ब्लैक विद रेड स्टिचिंग में, सेम मैचिंग में लगाया गया है। कितने के लगा रहे हो मैट इसमें? मैट ये वाले जो है भैया 2600 रुपए के से। और सीट कवर? सीट कवर हमारे पास 5500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 5500 क्वालिटी जो आप पसंद अच्छा। करोगे वो मैं लगा। और ये जय भाई थोड़ा स्टीयरिंग में मजा नहीं आया, ये क्या बात है? पता नहीं यार, इन्होंने शायद कंपनी से सिलवा लिया, इतना बढ़िया आता है इसके ऊपर लगा। यार मैं वही कह रहा, मैंने कहा यार इसमें तो, मैंने कहा हमारे पास ऐसा तो काम नहीं होता, मैंने कहा जय भाई ने क्वालिटी में कैसे कमी छोड़ दी भैया। हम लोग है ना, मना करता हूँ लेकिन ये नहीं लगाऊंगा। मैं यही सोच रहा, मैंने कहा ये ऊपर से क्यों जा रहा है ना, मैं 1000 रुपए स्टीयरिंग रैप के कहते हैं कस्टमर को। हाँ। तो यार कहते हैं 1000 रुपए का स्टीयरिंग कवर। हाँ। जब लगा के देते हैं तब पता लगता है। हाँ।
क्योंकि यहाँ पे भाई ये जो आप देख रहे हो पूरा ऊपर से कवर हो रहा है, यहाँ से ये सब कवर हो रहा है, ये सब चीजें अंदर टकिन हो जाती है, एकदम पता तक नहीं चलते हैं आप लोगों को। हाँ जी, खैर ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर वगैरह सब कुछ बढ़िया वाला दे रखा है ना, XML लग्जरी है ना, 360 डिग्री कैमरा भी आता है, इसमें सब कुछ मिल जाता है ना, सही है। और फ्रंट में कॉम्पोनेंट्स लगाए, डोर में डैम्पिंग हुआ है, AX5 लग्जरी में भी 60,000 रुपए का काम हुआ है। AX5 है, 75 है, AX5 लग्जरी, हाँ AX5 लग्जरी है, ठीक है, मतलब 60,000 का काम हुआ इसके अंदर ओवरऑल, सही है। और बाकी कहाँ विजिट करना है जाए भाई काम कराने के लिए? दिल्ली करोल बाग आरबी कार डेकोर, बाहर से दिखाता हूँ एक बारी मैं आपको भाई की शॉप है ना। तो भाई आरबी कार डेकोर पे आप लोग विजिट कर सकते हो अपने गाड़ी में काम वाम कराने के लिए। ये रहे हमारे जय भाई, तो जय भाई लिफ्ट वाली पार्किंग आरबी कार डेकोर। हाँ जी, और एक बार भैया का थोड़ा सा रिस्पॉन्स ले लें क्या? तो ये भैया गाड़ी को ऑन करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? नमन। नमन, तो कहाँ से आए हो आप भैया? नोएडा। नोएडा से, कैसा रेफरेंस मिला आपको यहाँ का आरबी कार डेकोर का? आप ही लोग हैं यूट्यूब तो मतलब जो चीज यूट्यूब पर दिखाते हैं आपको यहाँ के वही चीज मिली? वही चीज़। सेम चीज है एग्जैक्टली। काम की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। फिटिंग वगैरह? फिटिंग परफेक्ट। परफेक्ट है, कोई कमी पेशी काम में नहीं? कुछ ऐसा लगे कि जय भाई को सुधारना चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो? वो एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद बताऊंगा। बाकी ओवरऑल काम वाम अच्छा लगा? सैटिस्फाइड। प्राइस? प्राइस क्या, हर एक चीज का? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको प्राइस कैसे लगे? प्राइस सही है, प्राइस सही है, रीजनेबल है। डिस्काउंट भी मिला? हाँ जी बिल्कुल मिला। 22% डिस्काउंट मिला? नहीं मिला, मिल गया तो ठीक है। थैंक यू रमन भैया। अच्छा एक्स्ट्रा ही मिला होगा, ठीक है। तो थैंक यू रमन भैया, आपने सारी चीज बताई। और जय भाई आरबी गार्ड एक और करोल बाग लिफ्ट वाली पार्किंग के सामने, तो ठीक है भाई। ऐसी कुछ ये दो गाड़ी थी जो मैंने आपको एक ही फ्रेम के अंदर चेकआउट करवाई है।